हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और अब हम पार्ट 3 में पहुंच गए हैं, जो कि ये ग्रोनिंगन सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को यहाँ के घर एंड यहाँ के स्ट्रीट्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत सुंदर हैं। एंड मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। अब हम पहुंच गए हैं एक मरीना, एंड यहाँ पे बेसिकली याच या छोटे छोटे बोट्स को पार्क किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। एंड इसके चारों ओर घर होते हैं, एंड ये जो घर होते हैं ये समर हाउसेस होते हैं, किसी का कोई किसी का ओन प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो नेदरलैंड्स में बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, तो तुम अपने बोट से बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, एंड एक एक जगह पे घर बुक करके वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं एंड कुछ दिन रुकते हैं, पार्टी मनाते हैं, खाना पीना कुकिंग सब वही करते हैं, एंड देन नेक्स्ट डेस्टिनेशंस पे जाते हैं। बेसिकली ये समर में ज़्यादा ऐसे जो घर होते हैं या बोट या चुके हैं, यहाँ पे बुकिंग्स अवेलेबल होती है। और ये बगल में जो दिख रहा है ये एक रेस्टोरेंट है, जो इससे जस्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग अब निकल रहे हैं जर्मनी की ओर। यहाँ से करीबन 275 किलोमीटर्स है मेरे घर के लिए। एंड उसके पहले मैंने सोचा कि यहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है उसका एक टूर आप लोगों को करवाऊँ। तो चलो हम एक ऐसी रेजिडेंशियल एरिया में ज़रा गाड़ी लेके घूमते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ के घर कैसे होते हैं, यहाँ के स्ट्रीट्स कैसे होते हैं, एंड कैसे उन लोग मेंटेन करते हैं, यहाँ का जो डिज़ाइंस कैसे होते हैं। तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों, हम रेजिडेंशियल एरिया पहुंच गए हैं और यहाँ का स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर्स पर आवर होता है, और कोई कोई एरिया में वो 10 किलोमीटर्स से नीचे होता है, जहाँ पे बच्चे रोड के करीब आने के चांसेस होते हैं। सो होप आप लोग को ये यहाँ के घर अच्छे लगे, एंड
अब और नए नए वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल में, और नए नए शहर और वहाँ के आर्किटेक्चर, वहाँ के जितने भी खूबसूरत जगह है, मैं मैक्सिमम उसको आप लोग के सामने लेके आने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।